ये एक साल मैं तुमसे दूर कैसे रहा ये मैं ही जानता हूँ, और अब एक मिनट भी तुमसे दूर। अमन, मैं तुम्हारे साथ रहने नहीं आई हूँ। कल मुझे प्रोफेसर मूर्ति जी का फोन आया था। हेलो, मैं प्रोफेसर मूर्ति बोल रहा हूँ। हाँ सर, बोलिए, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ पल्लवी, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर। अमन कैसा है? डेफिनेटली अच्छी पोजीशन पर होगा। नहीं पल्लवी, जब से उसे पता चला है कि तुम्हारी शादी हो गई है वो डिप्रेशन में है। किसी तरह उसे समझा कर यूएस भेज दिया है और जॉब ज्वाइन करवा दी है, पर वो तुम्हारे ख्यालों से बाहर नहीं निकल पा रहा। ड्रिंकिंग का एडिक्ट हो चुका है। उसने मुझसे कहा कि वो तुमसे मिलना चाहता है, लेकिन मैंने कहा ये ठीक नहीं होगा। अभी तो वो ऑफिस भी नहीं जा रहा। 10 दिन में अगर उसने प्रोजेक्ट टेक ओवर नहीं किया तो जॉब से निकाल दिया जाएगा। वो इस वक्त मेरी कोई भी बात नहीं मान रहा। मैंने सोचा तुम्हें फोन करके कह दूं, शायद वो तुम्हारी बात मान ले। मेरे करियर में वो एक बेस्ट स्टूडेंट था पल्लवी, अब अपनी आंखों के सामने ही। यानी तुम मुझ पर हमदर्दी जताने आई हो? नहीं अमन, मुझे लगा कि तुम भी अब तक मेरी तरह सब कुछ भूल चुके होगे। सब झूठ। तुम्हारी आंखें देखकर मुझे सारी सच्चाई का पता चल रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं जानता? तुम्हारे जैसी न जाने कितनी सारी लड़कियां अपने माता पिता के लिए, सोसाइटी के लिए अपना मन मारकर जिंदगी जीती हैं। तुम्हें इसकी जरूरत नहीं, तुम्हारे साथ मैं हूं। बस एक बार बोल दो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। अमन, मैं अरुण के साथ बहुत खुश हूँ। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? इस एक साल में उसने मुझे इतना प्यार दिया कि मैं सब कुछ भूलकर उसे प्यार करने लगी। क्या ये तुम कह रही हो पल्लवी? मेरी आंखों में देखकर बोलो, तुम बोलो, क्या तुम्हारे दिल में मैं नहीं हूँ? लीव मी। नजरें क्यों नहीं मिला रही हो? नजरें मिलेंगी तो तुम्हारी आंखों में आंसू आएंगे। इसलिए अमन, तुम्हें समझा रही हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे? तो फिर क्यों आई? मैं पीऊं तो क्या? मेरी जॉब चली जाए तो क्या? मैं मर भी जाऊं तो क्या? वो सब ना हो इसलिए आई हूं। उस वक्त जिस हालत में मैं थी, तब मुझे हमारी शादी से ज्यादा तुम्हारा करियर ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए शादी करके चली गई। अब तुम उसी करियर को बर्बाद कर रहे हो, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है पल्लवी। अगर तुम वहां खुश नहीं हो तो मुझे यहाँ खुश देखने का तुम्हें हक नहीं है पल्लवी। दिन बीते चाहे सालों बीते, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अमन, अमन, हमारे गैंग में यू गाइस आर मेड फॉर ईच अदर। हेलो हेलो, उनके बाद हमारा ही नंबर आता है, यू नो। हाँ यार, ये बात तो बिल्कुल सही कही ब्रो। लेट्स सेलिब्रेट बारी। आई लव यू। पल्लवी, इज एवरीथिंग ओके? पल्लवी, मैं आज अमन से मिलने गई थी। व्हाट? जब मैंने तुम्हें अमन के बारे में बताया था तो शादी के बाद तुमने मुझे बहुत सपोर्ट किया था, वो मैं भूल नहीं सकती। प्यार एक से ही शुरू होकर एक पर ही खत्म होने वाली चीज नहीं।
ये बात मैंने सिर्फ तुमसे ही सीखी है। लेकिन अमन को लगता है कि मैं तुम्हारे साथ रहकर टॉर्चर सह रही हूं, इसलिए वो अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। और इसकी वजह मैं ही हूं ये सोचकर आई एम फीलिंग गिल्टी। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूं अरुण, ये बात उसे बतानी पड़ेगी, वो अगर देखेगा तो ही पता चलेगा। अगर वो एक बार आकर देख लेगा तो अरुण, अमन को हम 10 दिन के लिए अपने घर बुलाते हैं, हमें देखने के बाद वो समझ जाएगा कि जो वो सोच रहा है वो गलत है, देन ही विल मूव ऑन विद हिज लाइफ। अगर तुम्हें ठीक लगे तो। पल्लवी, अगर ऐसा करने से वो सुधर सकता है तो तुम उसे बेशक बुलाओ, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। थैंक यू अरुण। क्या मैं तुम्हारे घर आकर ये देखूं कि तुम अपने पति के साथ कितनी खुश हो? अमन, मैं यहां खुश नहीं हूं यही सोचकर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो ना। तुम आ जाओ, आकर देखो मैं अपने हस्बैंड के साथ खुश हूं या नहीं, खुद आकर रियलाइज कर लो। रियलाइज हुआ तो? तो तुम सब कुछ भूल कर जॉब ज्वाइन कर लोगे, नई जिंदगी शुरू करोगे। अगर रियलाइज नहीं हुआ तो तुम्हारे दिल में मैं अब भी हूं ये तुम्हें रियलाइज करना पड़ेगा, और ये मुझे वहां आकर देखना पड़ेगा। देखो पल्लवी, सच तुम भी जानती हो, इसलिए तुम खामोश हो। ठीक है अमन, लेकिन सच क्या है ये तुम्हें यहां आने के बाद ही पता चलेगा। पल्लवी, तुम्हें याद है तुमने कहा था प्यार में सेकंड चांस नहीं होता, और आज तुम ही मुझे बुलाकर चांस दे रही हो। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? अब मेरी जीत शुरू हो चुकी है। जीत का पता शुरुआत में नहीं चलता, मुकाबला करना पड़ता है। लेट्स सी। सी यू। अरुण, अमन। हाय अमन। अरुण, वॉशरूम कहाँ है? गुड नाइट अमन। हाय का गुड नाइट। तुम दोनों साथ में सोओगे तो मुझे नींद नहीं आएगी। मतलब? मैं अकेला सोता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती है, ये बोल रहा हूँ। क्यों? अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ, नई जगह है, मुझे भूतों से डर लगता है। तुम्हारे पेंट हाउस में भी मुझे 10 दिन बाद नींद आई थी, जानती हो? तो मैं ही इसके साथ सो जाता हूं। थैंक यू ब्रदर, अब मुझे शांति से नींद आएगी। ओके, गुड नाइट। पल्लवी, कल मॉर्निंग ट्रैकिंग के लिए जाना है, मुझे जल्दी उठा देना। ओके, गुड नाइट। ओके।
अमन, क्या है पल्लवी? गुड नाइट। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा। पल्लवी, रेडी हो? रेडी। टाइम हो रहा है, अमन कहाँ है? तुम्हारे रूम में होगा। नहीं तो फिर कहाँ गया? मुझे लगा वो नीचे आया। अमन, आउट। ये तुम क्या कर रहे हो? खेल रहा हूँ। ये किस तरह का खेल है? सच ए वायलेंट गेम। बच्चों को कुछ हो गया तो? यहाँ पर ऐसे गेम्स नहीं खेलते हैं। अगर किसी को चोट लगी तो जेल जाना पड़ सकता है। घर में बैठकर कार्टून देखेंगे तो क्या समझेंगे? चार बच्चों के साथ खेलेंगे तो जीने की समझ मिलेगी। हाय अरुण। हाय अरुण। हाय अरुण। हाय गाइस। हे। हाय गाइस। हाय गाइस। ऑल सेट फॉर ट्रैकिंग गाइस। तुम यहाँ कैसे? ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। अमन, कविता डेंटिस्ट बन गई है और यहीं सेटल हो गई। इंडिया में कुछ नहीं उखाड़ सकी, यहाँ दांत उखाड़ रही है। जोक। अमन, ये हैं देवाशीष, कविता के हस्बैंड। ओ, बलि का बकरा। हेलो मैन। हाँ, लेकिन ये है कौन? मैं, ये वो मेरा क्लासमेट है। क्लासमेट? हम दोनों ने तो साथ में ही पढ़ाई की थी देहरादून में, लेकिन इसे तो क्लास में मैंने कभी नहीं देखा था। हाँ, वो आप दोनों साथ में कब थे? 6th to 10th। हम 1st to 5th। अच्छा अच्छा, just miss it. It's okay. Come on, let's go. Yeah, sure. Wow. Trekking is very healthy. City में हमको सिर्फ 40% oxygen मिलती है और यहाँ पर पूरी 80% oxygen. ऐसा है तो ICU में admit हो जाते हैं, वहाँ 100% oxygen मिलेगा. Joke, guys. Come on, guys. You know, इस तरह के प्लेस में यू फाइंड योरसेल्फ। एवरी एक्सपीरियंस इज एन अचीवमेंट अमन। वी आर ऑलमोस्ट देयर। लेट्स गो। मेरा अचीवमेंट अलग है। फर्स्ट टाइम। क्या हुआ? एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ पे चढ़ते देखूंगा। सुनो, पल्लवी की लाइफ को अगर खराब करने की सोची तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी बैंड बजा दूंगी। तुम्हारा पति कहाँ है? देवाशीष, देवाशीष, तुम्हारी इंडिया की फ्लैशबैक लव स्टोरीज डिस्कस करने के लिए। तुम मेरी जिंदगी में टांग अड़ाएगी, मैं तेरी जिंदगी में। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे। हे, वाटर, वाटर एनीवन? अमन, तुम्हें पानी चाहिए? नहीं नहीं, अबे कम कम आओ। क्या? शॉट आउट यार। पल्लवी। हाँ? ये स्माइल। हाँ, I'm here with friends. Beautiful. Hi guys, attention please. No, I can't do it from here. We are going to make an announcement. उसने भी कुछ कहा ही नहीं है। hey. ये घर खरीद रहा है क्या? No. मानसी, तुम प्रेग्नेंट हो क्या? No, पल्लवी। Then what? Actually, we are getting separated. What? अलग हो रहे हो? What? What are you saying? What? But सुरेश, हमें लगा कि यू आर मेड फॉर ईच अदर। या वही समझकर हम दोनों ने लव मैरिज की थी, बट 1 year के बाद पता चला हमारी सोच, हमारी पसंद, सब कुछ अलग अलग है। सिर्फ मैकेनिकली साथ रह रहे थे, बट देयर इज नो लव, इसलिए अलग हो रहे हैं। ये क्या बात हुई मानसी? एक साल में कैसे पता चल गया तुम लोगों को? क्या पता बच्चे होने के बाद तुम लोग एक हो जाओ। सुरेश, बी पॉजिटिव, थोड़ा टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा। तुम दोनों आदर्श पति पत्नी थोड़ी देर के लिए शांत रहोगे? ये सुधरने वाला नहीं है। क्यों टाइम लेना चाहिए? क्यों बच्चे होने तक इंतजार करना चाहिए? ताकि इनकी अंडरस्टैंडिंग मिस अंडरस्टैंडिंग में बदल जाए। कल को इनके बच्चे होंगे तो इनके झगड़े और बढ़ जाएंगे, फिर बच्चे मेरे पास रहेंगे या तेरे पास रहेंगे, ये मसला कोर्ट तक चला जाएगा और फिर आपस में डिवोर्स लेके बच्चों की लाइफ बर्बाद कर देंगे। तो क्या ये अच्छी बात होगी, बताओ? मेरे ख्याल से तो इन दोनों का अभी अलग होना बहुत अच्छा है।
बाकी इन लोगों की मर्जी, जो चाहते हैं वो करें। Let them find their soulmates. Mansi, listen. You guys should give some more time. Think about it. मैं बोल रहा हूँ ना। देखो एक बात तो सुन लो। बिना प्यार के कोई भी रिलेशन नहीं टिक सकता। फिर वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ही क्यों ना हो। Thanks for that. So हम दोनों अलग होने से पहले मानसी की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करने वाले हैं। So guys, सब लोगों को आना है। मैं आऊँगा। Definitely. Your wish. देखा पल्लवी, उनको सब क्लियर हो गया, तुम्हें होना बाकी है। क्लैरिटी की मुझे कोई जरूरत नहीं अमन, तुम्हें है। पल्लवी, क्या है ये? हाफ बॉइल्ड। यहां भी हाफ बॉइल्ड है। जोक ब्रदर। तो तुम्हें बिल्कुल पीने की आदत नहीं है? नहीं। ये लड़कियां बिल्कुल भी समझ नहीं आती, जिस लड़के में सारी बुरी आदतें हैं उसी से प्यार करती हैं, और शादी ऐसे लड़कों से करती है जिसमें कोई बुरी आदत ना हो। मैंने पी रखी है ब्रदर, कुछ गलत मत समझना। हाँ ब्रदर, पल्लवी से पहले तुम कितनी लड़कियों से मिल चुके हो? इससे तुम्हें क्या मतलब? मैं मेबी 3 or 4। मतलब पल्लवी का 5वां नंबर है, बाकी 4 में से कोई तुम्हारे साथ सेट हो जाती तो पल्लवी तुम्हारी लाइफ में नहीं आती। पल्लवी तुम्हारे लिए ऑप्शन थी, चॉइस कभी नहीं थी, लेकिन मेरा ऐसा नहीं था ब्रदर। उसी से प्यार किया, उसी से शादी करने वाला था, जीना या मरना दोनों भी उसी के साथ सोचा था। मेरा तो ये ट्रू लव। अमन, यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट्स। पल्लवी, इसे बोलने दो। जब देखने गए थे तो पल्लवी से तुमने क्या क्या पूछा था? उस दिन मैंने, वो काफी ब्रॉड माइंडेड है। शादी के बाद तुम जॉब करोगी या हाउसवाइफ बनकर रहोगी, ये पूछा था। फुल फ्रीडम दी थी मुझे। अच्छा, इससे पहले किसी से प्यार किया था क्या, ये नहीं पूछा तुमने? अगर तुम पूछ लेते तो बता भी देती ये पगली, हमारा प्यार जिंदा होता। तुम्हारा क्या है ब्रदर, कोई दूसरी लड़की मिल जाती बस उतना ही। Stop it, अमन, बचपना मत दिखाओ। ओके, मैं बच्चा हूं, तुम लोग मैच्योर हो। I have a question for you. ठीक है, पूछो। एक लड़की अपने पति के साथ खुश नहीं है ये सोचकर दूसरे के साथ चली जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? You are having an illegal relationship with him, ऐसे पूछेंगे। वैसे ही अगर कोई लड़की किसी और से प्यार करे और उससे कोई और लड़का आकर शादी कर ले तो उसे क्या कहते हैं ब्रदर? You are having an illegal relationship with my love, ये मैं पूछूंगा। पल्लवी, पल्लवी,